सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सतबरवा प्रखंड के पंचायत बकोरिया में आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज चंदवा प्रखंड के बोधा पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रखंड विकास पदाधिकारी राजकिशोर प्रसाद ने उपस्थित सभी ग्रामीणों को राज्य सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य के प्रति जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की बहुत ही जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जिसमें सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सवर्जन पेंशन योजना, हरा राशन कार्ड, राशन कार्ड, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, भू राजस्व मामलों का निपटारा, भू लगान रसीद, बिजली और पेयजल समस्याओं का निपटारा, किसान क्रेडिट कार्ड, फूलों झारनों आशीर्वाद योजना, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम योजनाओं का शुभारंभ इत्यादि शामिल है। उन्होंने संबंधित स्टॉल में जाकर अपनी समस्याएं सूचीबद्ध कराने की अपील ग्रामीणों से की। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से लाभुकों के बीच सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत छात्राओं के बीच स्वीकृत कर वितरण किया गया। शिविर के माध्यम से लोगों को राज्य में संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पलामू जिले के स्वच्छ भारत मिशन के तहत सदर प्रखंड के सोशल मोबिलाइजर ने भी अपना स्टॉल लगा रखा था, वह आवेदन ले रहे थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सिटी न्यूज संवाददाता को शिविर के बारे में बातचीत के क्रम में क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। शिविर में मुख्य रूप से बकोरिया पंचायत के मुखिया डॉक्टर संतोष राम, उप मुखिया पंचायत सेवक सुरेश ठाकुर, जिला परिषद सुधा कुमारी, सुरेश चौधरी, विधायक प्रतिनिधि प्रमोद यादव, अमित कुमार, पिंटू, भोला प्रसाद सहित हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। सतबरवा से बनारसी की रिपोर्ट। आज बकोरिया पंचायत में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पे कैंप लगाया गया, उसमें लगभग 150 कंबल वृद्ध के बीच असहाय के बीच वितरण किया गया। पेंशन का लगभग 260-270 फॉर्म आए हैं, सभी पर जांच चल रहा है और आधार बनाने का काम किया जा रहा है। और इसके अलावा जितने भी सरकारी योजनाएं हैं सबके बारे में जानकारी दी गई और सबका लोगों से लाभ उठाने के लिए अपील की गई।